अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब भाइयों। अभी मैं मौजूद हूँ गाहकुच में। रात को यहाँ पे यार बड़े लेट पहुँचे, बहुत बुरी हालत होगी। रास्ते में स्नोफॉल और इतना तेज़ तूफ़ान और इतना सारा लंबा सफ़र, तो करीबन 9 बजे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हम पहुँचे। और फिर हमने यहाँ पे ये रूम लिया जो हमें 1200 रुपये में पड़ा, और ये होटल है सी पैक होटल के नाम से। यहाँ पर बाहर आपको थोड़ा मैं व्यू करवा दूँ, सी पैक होटल एंड रेस्टोरेंट। और यहाँ पे देखिए, ये सभी जितने भी पहाड़ हैं उन पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है, अभी भी उस पहाड़ पे स्नोफॉल हो रही है। और ये हमारे कमरे की कंडीशन तो वैसे हमने बिगाड़ दी है, लेकिन आप देख सकते हैं ये है हमारा कमरा, सेफ अलमारी, वॉशरूम। ये सब आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इतने पैसों में किस टाइप का कमरा मिलता है। तो ये वॉशरूम है, ये साफ़ सुथरे कंबल थे। रात अच्छे से मज़े से गुजर गई। अभी यहाँ से निकलते हैं, आपको सैर करवाते हैं आज का कुछ की, उसके बाद आज ही हमारा प्रोग्राम है गिलगित जाने का। तो देखते हैं, अभी मौसम की सूरत हाल जो है वो भी काफ़ी ख़राब है, तो कोशिश करेंगे कि आज रात से पहले पहले ना हम पहुँच जाएँ गिलगित। तो अभी जी हम बाज़ार में निकले हैं। ये गाहकुच का बाज़ार है, बिल्कुल एक शहर की तरह है, शहर ही। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी जो कि आपको किसी बड़े शहर लाहौर कराची से मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ खाना हमने खाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आए हैं इस शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल? ठीक, पाए पड़े हैं अभी? सही हो, ठीक है, बना दें। जी माशाल्लाह, यहाँ पे देखिए जी, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेट भर के खाना खाया, दोबारा फिर ले लिया था और बिल बना 500 रुपये। इन इलाकों में ना खाना पीना बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और बड़ा मियारी और मज़े का होता है। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हैं सारी पहाड़ों पे यहाँ पे काले काले बादल आए हुए हैं। ये इस सीज़न की पहली स्नोफॉल है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है ना, वेदर पे बता रहा है कि कल फिर से धूप निकलाएगी, तो जो नज़ारा है वो आज का है। और हम लोग इतने खुश हैं कि ये नज़ारा हमें गाहकुच में देखने को मिला। अगर पीछे कहीं होते शंदूर वाली साइड पे तो फंस जाना था, इतनी ज़्यादा स्नो हुई है इन तमाम इलाकों में। अगर ऐसे इलाकों में आपके पास गर्म कपड़े और या इक्विपमेंट मौजूद नहीं है ना, तो ये इलाके आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अथेंटिक इक्विपमेंट मौजूद है, आप अपनी फुल तैयारी के साथ आए हैं, तो फिर आप यहाँ पे फुली एंजॉय करेंगे जिस तरह आज हम एंजॉय कर रहे हैं। ये गाहकुच का पार्क है, रात को बारिश हुई है ना, तो हर तरफ यहाँ पर चीज़ जो है धुल गई है। वैसे भी ये इलाके जो है ना धूल मट्टी से इतने तो ख़राब नहीं होते जितने हमारे इलाके हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी धूल मट्टी नहीं होती, वहाँ पे जहाँ पे आपको बिल्कुल स्मोक स्मोक दिख रही है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी स्मोक दिख रही है। तो यहाँ से दूर से जब स्नोफॉल हो रही होती है तो दूर से अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगता है जैसे धुआँ सा है, स्मोक सी है। अगर आप करीब जाते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होते हुए दिखेगी, तो ये होती है निशानी। अभी ये एक यादगार जगह बनाई गई है इस पार्क में, और इस तरफ झूले लगे हुए हैं, सामने वहाँ पे एक फुहारा लगा हुआ है, और इसके गिर्द यहाँ पे ये बाड़ बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए खूबसूरती की इंतहा है। आज तो वैसे भी खूबसूरती को चार चांद लगे हुए हैं, पहाड़ जो है वो चमक रहे हैं जहाँ जहाँ स्नोफॉल हुई है। यहाँ पर ये देखिए मुर्गाबियाँ हैं जो कि इसमें फिर रही हैं तालाब में, ये देखिए खूबसूरत मुर्गाबियाँ।
आप अगर किसी भी इलाके में चले जाएं तो उसकी एक ना एक स्पेशल चीज़ ज़रूर होगी जो उस इलाके को ख़ास बनाती होगी। वैसे ही गाकुच दरियाओं की सरजमीन कहलाता है, जहाँ पे इतने ज़्यादा रिवर हैं, इतने ज़्यादा रिवर हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। एक ये रिवर चल रहा है, एक इसके पार रिवर चल रहा है, एक वहाँ से यूं रिवर आ रहा है। अगर आप यहाँ से ऊपर से देखें, अभी हमारे पास ड्रोन नहीं है वरना आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरा जाल फैला हुआ है यहाँ पे रिवर्स का। ये देखें यहाँ की बकरियाँ, ये बकरा, ये इतने इतने इन पे ना बड़े बड़े बाल होते हैं, ये देखें बड़े बड़े इन पे बाल होते हैं जिसकी वजह से इनको ठंड नहीं लगती। ये देखें ये बकरी भी है ना, तो इस पे भी इतने बड़े बड़े बाल। हमारे इलाकों की जो बकरियाँ हैं वो इन इलाकों में नहीं रह सकती। तो भाइयों, मैं आपसे कह रहा था ना कि गाकुच दरियाओं की सरजमीन है, तो अभी एक व्यू पॉइंट मिल चुका है। यहाँ से थोड़ा से गिलगित की तरफ हमने सफ़र किया है, सफ़र क्या किया है, तकरीबन 1 किलोमीटर ही आए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक ये दरिया, एक वो दरिया, एक वो दरिया, एक वो परे से दरिया है। इस तरफ देखें तो वहाँ पर भी 2-3 दरियाँ हैं, इस तरफ भी कई सारे दरियाँ हैं। तो हर तरफ आपको यहाँ पर दरिया ही दरिया दिखेगा, छोटे छोटे मतलब यहाँ पर बस जगह मिलेंगी जो टापू नमा यहाँ पे हैं, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ यहाँ पे दरिया ही दरिया हैं। तो ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट बना हुआ है। अगर आप गिलगित से आते हैं ना, तो गिलगित से जब आप गाकुच पहुँच जाते हैं, गाकुच से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे आपको ये व्यू पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से यकीन करें इतना कोई खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही कमाल का दिलकश यहाँ पर नज़ारा है। और जहाँ से भी खूबसूरत दरिया का यहाँ से व्यू आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दरिया के अंदर जो पत्थर है वो भी क्लियर दिख रहे हैं, इतना साफ शफाफ यहाँ पे पानी है। यहाँ पे ये एक कुदरती तौर पे गार बनी हुई है, ये देखिए, ये देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर हैं और यहाँ पे ये गार है। इसमें यहाँ पे चूल्हा भी है, यहाँ पे शायद लोग यहाँ पे बैठ के आग वाग भी जलाते रहे हैं। तो बारिश बारिश अक्सर इन इलाकों में आ जाती है, जैसे आज भी मौसम जो है ख़राब है, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ के स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक अंजीर का पौधा लगा हुआ है और इस पे अंजीर भी, ये देखिए कहीं कहीं यहाँ पकी हुई है, ये देखिए अंजीर, ये ऊपर भी, ये देखिए काफ़ी सारी लगी हुई है मतलब, और कच्ची भी हैं अभी अंजीरें ऊपर। तो ये देखें रास्ते में ही आपको कई सारी चीज़ें ना खाने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे भी एक है, ये देखिए, ओए होए होए, इतनी पकी हुई यहाँ पे अंजीरें, ये देखें बहुत ही मज़े की हैं और मीठी भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा तोड़ लेनी थी। भाइयों अभी हम निकल चुके हैं गाकुच से गिलगित की तरफ और टाइम हो चुका है 12 का। अभी देखते हैं कब तक वहाँ पे पहुँचते हैं। 70 किलोमीटर डिस्टेंस है अगर आप गिलगित से यहाँ पे गाकुच आते हैं तो। वैसे तो गिलगित यहाँ से करीब लगता है, लेकिन गाकुच जो है इसको ज़िला जो है वो इधर लगता है, तो गिलगित के साथ इसका तल्लक नहीं है। अभी ये रोड जो है कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल A1 है, तो सफ़र करने में तो आसानी होगी। देखिए उड़ते हुए जा रहे हैं यहाँ से, तो इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे, उम्मीद तो है। ये देखिए दो पहाड़ों के दरमियान दरिया के ऊपर से इतना खूबसूरत एक पुल बनाया गया है, जो कि आपको इस साइड से लेके वहाँ तक गाड़ी हो या आपके पास कोई भी सामान हो इजीली आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे केबल्स लगाए गए हैं पहाड़ों के दरमियान, ये पत्थर में आप देख सकते हैं मोटे मोटे केबल लगे हुए हैं, और खूबसूरत यहाँ पे दरियाए गिलगित चल रहा है, और इसके ऊपर से ये एक बल खाती हुई रोड क्या ही खूबसूरत समा पेश कर रही है। यार आप कुछ भी कहो, लेकिन गाकुच का एक अलग ही खूबसूरती का व्यू है।